दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीनी की राह इस पथ दर्शक सुविचार माला के साथ। दर्शकों अभी आपने देखा बुलेटिन का पथदर्शक सुविचार, अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अभी एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे समाचार विस्तार से। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। चलिए नजर डालते हैं विस्तृत खबरों पर। शहर के जयस्तंभ से जवाहरगेट मार्ग पर स्थित सारथी वस्त्रालय में 7.25 लाख रुपयों के साहसी चोरी की वारदात शनिवार को प्रकाश में आई। शुक्रवार की आधी रात बाद चोरों ने इस साहसी चोरी के वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस इन चोरों के तलाश में है। सारथी में यह चोरी की तीसरी वारदात है। तीनों वारदातों में चोर छत के रास्ते से ही भीतर घुसे थे। ये विशेष नगरी का सारथी वस्त्रालय तीसरी बार चोरों का निशाना बना। शहर के जयस्तंभ से जवाहरगेट मार्ग पर यह सारथी शोरूम है, जहां शुक्रवार की रात चोरों ने 7.25 लाख रुपयों के साहसी चोरी के वारदात को अंजाम दिया। इसके पूर्व भी यहां 2 बार चोरी हुई है। इस बार यह शोरूम तीसरी बार चोरों का निशाना बना। इस बार भी छत के रास्ते से ग्रिल काटकर और शटर तोड़कर चोर शोरूम के भीतर घुसे और उन्होंने 7.25 लाख की नकद और कपड़े चुरा कर पलायन कर दिया, ऐसा साथी शोरूम के संचालकों ने बताया। इस प्रकार के रात को 11:15 बजे के अंदाज में हम दुकान बंद करके गए, तो उसके बाद सुबह मैनेजर नरेश गलवानी ने जैसे दुकान खोला तो उसको पूरा काउंटर बिखरा हुआ दिखा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने आने के बाद ये देखा कि ऊपर भी पूरे तोड़ताड़ हुई है और जिससे चोरी की घटना हुई। कितने रुपये का माल गया? ये कई अलमारी में से गया है, 5,70,000 रुपये अलमारी में से गया, 12,000 रुपये ड्रावर में से निकले हैं और 5 की कॉइन है 8,000 रुपये की और 8 चांदी के सिक्के निकले हैं। हाँ, कपड़े भी लेके गए हैं, वो अंदाजे 20-25 पैंट और शर्ट लेके गए, और 40,000 के कपड़े लेके गए और 8,000 के सिक्के लेके गए और चांदी के सिक्के अंदाज 4,000 के वो भी लेके गए। वारदात की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका ही वारदात पहुंचकर श्वान पथक और फिंगरप्रिंट एक्सप्रेस से पंचनामा निपटाया है। आगे की जांच शुरू है। शनिवार को अमरावती के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने एक पत्रवार्ता कर बताया कि जल्द ही बिलोरा हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू होंगी। इस पत्रवार्ता में उन्होंने मनपा में 80 करोड़ के लागत से हुए कामों में भारी घपलेबाजी होने का दावा करते पुलिस और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही। अमरावती हवाई अड्डे से जल्द ही उड़ानें भरना शुरू होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अमरावती यानी बेलोरा हवाई अड्डे की पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। आगामी 23 तारीख को इसी मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक है। बेलोरा हवाई अड्डे से जल्द ही ATR-72 टाइप के विमान उड़ान भरेंगे, यह दावा शनिवार को अमरावती के विधायक डॉक्टर देशमुख ने किया। बेलोरा हवाई अड्डे से प्रश्न जो है तो अंदाजन किती महिन्यात किंवा वर्षात मागे राहील? नाही, आता सन्माननीय नितीन जी गडकरी यांनी हवाई उड्डाण मंत्र्यांसोबत बैठक 23 तारखेला लावलेली आहे।
त्या बैठकीमध्ये जसं सांगितलं एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या पहिल्या चेअरमननी त्याला मान्यता दिली होती, दुसरा चेअरमन थोडे निगेटिव्ह वाटतात, फायनान्शियल व्हायबिलिटी नाही वगैरे, तर त्यांना ते शेवटी हा पॉलिटिकल निर्णय आहे, राजकीय निर्णय आहे. प्रत्येक गोष्टी शासनाने पैसे कमवण्यासाठीच केलं पाहिजे असं नाही. आपण अनेक गोष्टी एसटी आपण पाहतो की लॉसमध्ये जाते पण तरी शासन ते चालवतेच ना. तर महसुली मुख्यालय असलेल्या अमरावतीमध्ये ते होत नसेल तर ते मला वाटते शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात आहे आणि म्हणून म्हणजे विकासाच्या धोरणाच्या विरोधात, त्यामुळे तो होईल अशी मला आशा आहे. 3-4 वर्ष लागतात. अमरावती मनपा क्षेत्र में 80 करोड़ के निधि से जो काम हुए है उसमें भारी घोटाला हुआ है, यह संगीन खुलासा भी डॉक्टर देशमुख ने भरी पत्रवार्ता में किया. नाही, टोटल 80 कोटीचे कामं गेल्या 2-3 वर्षामध्ये झालेली आहे आणि ज्या 10 कामाची गुणवत्ता तपासणी आपण करून घेतली त्या 10 च्या 10 कामामध्ये घोटाळा झाला आहे आणि गुणवत्ता त्याची चांगली नाही असे रिपोर्ट गुणवत्ता दक्षता आणि गुणवत्ता तपासणी कार्यालयाने दिलेले आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की बहुतेक ठिकाणी, म्हणजे आता काही तुरळक सोडा, पण सर्व कामामध्ये काही ना काही प्रमाणात कुठे रुंदी कमी आहे, कुठे लांबी कमी आहे, कुठे डांबरीचा थर बरोबर नाही, त्या सगळ्या गोष्टी जर लक्षात आल्या तर फार मोठ्या प्रमाणावर, आता नक्की आकडा मला सांगता येत नाही, पण फार मोठ्या प्रमाणावर याच्यामध्ये भ्रष्टाचार झाला. या निष्कर्षात शासनही, म्हणजे शासनामध्ये गुणवत्ता आणि दक्षता डिपार्टमेंट पण पोहोचले, मी पण पोहोचलो. अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र में हुए कामों की क्वालिटी बहुत ही घटिया है. अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत और राजकीय वरदहस्त के चलते ही यह घपला बड़े पैमाने पर हो पाया. इसकी शिकायत मनपा पुलिस में करें. अगर मनपा पुलिस में शिकायत नहीं करवाती तो मैं खुद सिविल कोर्ट जाऊंगा और दोषी अधिकारी ठेकेदारों पर जालसाजी का अपराध दर्ज कराऊंगा. यह बात डॉक्टर देशमुख ने शनिवार को बताई. हा कॉन्ट्रॅक्ट कंत्राटदार आणि महानगरपालिकेच्यामध्ये झाला होता, म्हणून महानगरपालिकेला जर हे लक्षात आलं असेल की यांनी आपली फसवणूक केलेली आहे, जो जे टेंडरमध्ये ज्या गोष्टी मान्य केल्या होत्या त्याप्रमाणे त्यांनी काम केलेलं नसेल, तर महानगरपालिकेने त्यांच्या विरोधात FIR लॉज करावा, पोलीस रिपोर्ट लॉज करावा आणि त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह जे अधिकारी असतील, कंत्राटदार असतील, संबंधित इंजिनियर असतील यांच्याच विरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी, हीच माझी मागणी होईल. नाही झालं तर आम्ही सिव्हिल कोर्टामध्ये जाऊ आणि सिव्हिल कोर्टाकडनं आदेश घेऊ की या कंत्राटदारांच्या विरोधामध्ये तुम्ही दाखल करा म्हणून. शहर का एक रास्ता ऐसा है की वो रास्ता कितने निधी से बना, कैसे बना, कामकाज किसका है, कौन सा ठेकेदार है, यह पूरी की पूरी फाइल ही गायब है. इससे बड़ा प्रमाण घपलेबाजी का और क्या होगा, यह बताते उन्होंने अपने दावे को दोहराया. मला समजत नाही, मला असं आहे की आम्हाला तक्रार आली लोकांकडनं की साहेब आमचा हा रोड खराब झालेला आहे, म्हणून त्याची आम्ही लिस्ट दिली. लिस्ट दिल्यानंतर 9 त्या रोडचा कोणी केलं हे सापडत, पण 1 रोड नक्की कोणी केला, म्हणजे पीडब्ल्यूडी म्हणते की हा आमचा रोड नाही, कॉर्पोरेशनमध्ये आम्ही हे काम केलेलं नाही. आता या महानगरपालिका क्षेत्रात फक्त 2 एजन्सी काम करतात, एक तर पीडब्ल्यूडी किंवा महानगरपालिका. आता समजा दोन्ही खात्याचे लोक जर म्हणतात की आमचा हे नाही तर मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. त्या रोडवर किती खर्च झाला काही त्याचा आता बदल नाही ना, म्हणजे खर्च किती झाला, एजन्सी कोण आहे, कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे, त्याचे स्पेसिफिकेशन काय होते, काही त्याचे कागदपत्र सापडले. शहर के चरमराए आरोग्य व्यवस्था पर ध्यान खींचने पर उन्होंने बताया कि इरविन अस्पताल को जल्द से जल्द जरूरी उपकरण मिले, ये उनका प्रयास है. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला सेवा सुविधा कधी पोहोचली, यंत्र सामग्री कशी पोहोचली? जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा जो सिटी स्कॅनचा मुद्दा अत्यंत प्रलंबित आहे, अत्यंत सेन्सिटिव्ह आहे, त्या अनुषंगाने माझी सन्माननीय आरोग्य मंत्र्याची भेट झालेली आहे. पहिल्या मधल्या काळामध्ये विप्रो सोबत त्यांचं टायअप सुरू होतं, पण ते काही अजून निष्कर्षापर्यंत शेवटपर्यंत पोहोचले नाहीत. मला असं वाटतं की याच्याबद्दल शासन आता दुसरं धोरण आखण्याची शक्यता आहे. मला असं वाटतं काही काळातच, कारण की मी पण प्राथमिक त्यांचं मुद्दा मुख्यमंत्र्यांसमोर हा मुद्दा मांडला आहे, किंवा ते विप्रो जाणे तुम्ही जाणे, लोकांना काय घेणार की विप्रोचा सिटी स्कॅन आहे का LNTचा सिटी स्कॅन आहे, पण आता ते जो डेडलॉक जो झाला आहे तो दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो. शहर के दुकानों और प्रतिष्ठानों ने पार्किंग की जगह हड़प रखी है, जिससे शहर में यातायात की समस्या मुख्य त्रासदी बन उभरी है. इसका बंदोबस्त कैसा होगा, यह पूछने पर डॉक्टर देशमुख बोले कि निगमायुक्त के माध्यम से यह समस्या भी हल की जाएगी, जल्द ही इस बाबत वे निगमायुक्त से बैठक करेंगे. दुकानात येणारा गिराई आपली गाडी बाहेर येतो, बरं, जो दुकानदार आहे तो 24 तास ठेवतो 12 तास, पण त्याच्यामुळे तेवढी जागा घडते आणि मग ट्रॅफिकचा प्रवाह
जसं आपण पाहिलं मुंबईमध्ये की त्या त्या कॉम्प्लेक्स मधच्या जे हे दुकानदार आहेत ते दोन सिक्युरिटी गार्ड ठेवतात, येणारी गाडी पहिले पार्किंग मध्ये लावायला जबरदस्त आणि मग माणूस खरेदीसाठी आतमध्ये जातो. ती शिस्त अमलात अजून लागली नाही. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे पार्किंग लॉटच गायब झाले किंवा अशा पद्धतीने बांधले की तिथे कोणी जाणारच नाही. म्हणून तत्कालीन कमिशनर पोलीस आणि आयुक्त सोबत आता नवीन आयुक्त आलेले आहेत धडाडीचे आहेत, त्यांच्याशी आपण चर्चा करून पहिले अमरावती शहरातल्या असलेल्या कॉम्प्लेक्स मधले पार्किंग लॉट जे गिळकूप केलेले आहेत ते जोपर्यंत आपण खाली करत नाही आणि रस्त्यावरची रस्त्याच्या समोरची असलेली पार्किंग ती आतमध्ये ढकलत नाही तोपर्यंत. भाजपा में प्रवेशित होकर विधायक बनने पश्चात उनको उचित स्थान नहीं मिला क्या? इस सवाल पर डॉक्टर देशमुख ने बात बदलते कहा कि हम सब साथ साथ है, मनमुटाव की कोई बात ही नहीं है. उनका फोकस शहर के सर्वांगीण विकास और घपलेबाजी पर नकेल कसना है जिसमें वे कामयाब होकर रहेंगे. डॉक्टर देशमुख के इस पत्रवार्ता के बाद अब शहर और मनपा की राजनीति में गर्मा गर्मी तय है. देखते हैं क्या कुछ होता है, कितने भ्रष्टाचारी नपते हैं. न्यूज बुलेटिन में कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें. ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत. मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार. चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से. राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन में मौलिक काम करने वाले अमरावती के जिलाधीश किरण गित्ते, इनका चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए हुआ है. किरण गित्ते महाराष्ट्र के ऐसे पहले IAS अफसर है जिनका चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए हुआ है. 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री के हाथों दिल्ली के विज्ञान भवन में ये पुरस्कार वितरण होगा. अमरावती जिले के जिलाधीश किरण गित्ते महाराष्ट्र के ऐसे पहले IAS अफसर है जिनका चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए हुआ है. 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री के हाथों यह पुरस्कार जिलाधीश किरण गित्ते स्वीकारेंगे. राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन में नावीन्यपूर्ण काम, जनधन योजना की लक्ष्य पूर्ति, जन जन तक पहुंचाई जा रही शासकीय योजनाएं, रोजगार हमें योजना आदि उल्लेखनीय काम किरण गित्ते इन्होंने पूरे किए, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा. 1,00,000 नगद और प्रशस्ति पत्र यह इस पुरस्कार का स्वरूप है. महानगरी के ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठान पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक पत्रवार्ता कर बताया कि उन्होंने अभिनव ड्रॉ का आयोजन किया है. शनिवार को हुए इस पत्रवार्ता में उक्त ड्रॉ की विस्तृत जानकारी दी गई. नगरी का प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय शोरूम पूनम शोरूम हर साल नगर वासियों के लिए कुछ न कुछ नया योजना ले आता है. इस साल भी पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स ने बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर लकी ड्रॉ स्पर्धा आयोजित की है. बजाज फाइनेंस 0% ब्याज पर कोई भी चीज फाइनेंस करता है. जो कस्टमर बजाज फाइनेंस के जरिए कोई भी वस्तु खरीदता है वह ग्राहक इस स्पर्धा का स्पर्धक बन जाता है, जिसमें लकी ड्रॉ के जरिए हर रोज एक उपहार खुलता है. उपहार के रूप में विजेता स्पर्धक को ग्रैंड i10 कार, आईफोन, JBL स्पीकर, पल्सर टू व्हीलर बाइक, यूरोप ट्रिप और 100% कैश बैक ऑफर मिल सकता है. केवल 5 मिनट में ही बजाज कंपनी आपको अप्रूवल देंगी, जिसके बाद पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कोई भी चीज घर ले जा सकते हैं. पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स का मोतीनगर का सैमसंग प्लाजा शोरूम पिछले साल से महाराष्ट्र में नंबर 1 की पोजीशन पर है, तथा पूनम का वालकट शोरूम एवं राजापेट का शोरूम भी टॉप पर है. पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स के पास सभी लीडिंग ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलरशिप है. सभी पर फाइनेंस एवं एक्सचेंज है, जिसमें सैमसंग, LG, पैनासोनिक, गोदरेज, ओनिडा, वीडियोकॉन, सैमसुई, थैमसन, सिम्फनी, वोल्टास, करियर, यह सब प्रमुख ब्रांड है. पूनम ग्रुप के संचालकों ने सभी शहरवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देते पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स आयोजित अक्षय तृतीया भव्य लकी ड्रॉ का लाभ लेने का आह्वान किया है. जो आपने देखा होगा LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, ये सेगमेंट मैं देखता हूँ पूरे ऑल ओवर अमरावती. इसमें अभी बजाज और पूनम ने मिलकर एक अच्छा स्कीम लाया है, जिसमें आपको अगर आप बजाज से फाइनेंस करने आते हो तो आप जब फाइनेंस करते हो उसमें आपको एक SMS करना है बजाज समर करके वो नंबर पर SMS करोगे, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे. फिर उसमें लकी ड्रॉ है, उसमें आपका iPhone निकल सकता है, पर पल्सर निकल सकता है, JBL स्पीकर निकल सकता है, यूरोप ट्रिप निकल सकता है, 100% कैशबैक है उसमें. और इसमें आपका ये मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, ये नहीं कि आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा. अगर आप आज डॉक्यूमेंट दे रहे हो, जब आप डॉक्यूमेंट लेके आओगे एट दैट मोमेंट आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा, तुरंत आपकी सारी
फॉर्मेलिटीज हो जाएगी और एट दैट मोमेंट आप प्रोडक्ट भी लेके ले जा सकते हो। आप 1,25,000 तक पूरा प्रोडक्ट फाइनेंस करा सकते हो, उसमें 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट कुछ भी ले जा सकते हो। और आप में इसमें क्या है कि अभी बजाज और पूनम मिलके एक 0% में जीरो डाउन पेमेंट में स्कीम लेकर आए। जीरो डाउन पेमेंट मतलब आपको जस्ट 800 रुपये पे करना है और आप 2-3 प्रोडक्ट एक साथ ले जा सकते हो और इसको आप आराम से 15 महीने तक आप किस्तों में पे कर सकते हो। आपको बस एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ और एक चेक और इलेक्ट्रिक बिल लेके आना और कुछ नहीं लेके आना। शनिवार से अक्षय तृतीया का पर्व शुरू हो गया। 21 अप्रैल तक यह अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने अक्षय तृतीया का पर्व पूरे श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। पितरों के आवाहन का पर्व अक्षय तृतीया शनिवार से पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया का यह पर्व 21 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसमें पितरों का आशीर्वाद अपने परिवार पर बना रहे यह कामना करते उन्हें प्रेम पूर्वक याद कर पितरों के लिए भोजन रखा जाना है। जिन किसी के माता पिता या बड़े बुजुर्ग जिनका निधन हुआ हो और उनके निधन की तिथि पता न हो, उनका भी पितृमोक्ष कर्म अक्षय तृतीया को करना यह शास्त्र में लिखा है। अक्षय तृतीया का दिन शुभ दिन है। इस दिन पितरों का आह्वान करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इस धारणा से यह अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शहरवासी पूरे श्रद्धा भाव से यह पर्व मना रहे हैं। शनिवार को शनिचरी अमावस्या के पर्व पर शहर के शनि मंदिरों में भाविकों की भीड़ उमड़ आई। शनिचरी अमावस्या को की जाने वाली पूजा अर्चना से विशेष पुण्यदायी फल भी मिलता है। इसका परिणाम बहुत लाभकारी होता है, ऐसा शनि मंदिर के पुजारी ने बताया। आज कैसा है कि ये साल में एक बार आती है, साल में एक दो बार आती है अमावस्या। आज दिन भर अमावस्या है, दिन भर अमावस्या रहने से आज शनि महाराज का बहुत महत्व रहता है। पूजा आगे ना चालू होती दिन है ना, बुला तेल ये चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। वो हिसाब से क्या है कि वो आज के दिन शनि अमावस्या के हिसाब से ग्रह पे क्या प्रभाव पड़ा है इसमें कैसा है कि जैसे धनुराशि है, वृश्चिक राशि है और कुल राशि है, कई राशियों को 7.5 चल रहे हैं। राशि को 7.5 चलने से क्या होता है कि आज ये जो राशि वाले लोग क्या बोलते हैं दर्शन करते हैं और दान करके तेल चढ़ाते हैं, तो उनका जो ऊपर जो प्रभाव रहता है वो शनि महाराज का कम होता है। तो आज है ना बहुत महत्व का दिन है, वही सब शनि अमावस्या पितृकार्येषु अमावस्या के रूप में भी जानी जाती है। काल सर्प योग, दहिया तथा 7.5 सहित शनि संबंधी अनेक बाधाओं से मुक्ति पाने का यह दुर्लभ समय होता है। शनिवार के दिन अमावस्या का समय हो इस कारण इसे शनि अमावस्या कहा जाता है। शनि अमावस्या के अवसर पर अनेक श्रद्धालु नदियों तथा सरोवर में श्रद्धा की डुबकी भी लगाते हैं। शनिवार को शहर भर के शनि मंदिरों में भाविकों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। विशेष पूजा अर्चना तथा पूजा पाठ का आयोजन शनि मंदिरों में शनिवार को किया गया था। गवला कछुला और खस यह वनस्पति है जो ग्रीष्म काल में शरीर की तपन को शांत करने का काम करती है। आजकल बाजार में गवला कछुला और खस की दुकानें सजी दिखती है। शहर में ग्रीष्मकाल की तपन को शांत करने उपयोगी सिद्ध गवला कछुला की दुकानें सजी है। गवला कछुला यह वनस्पति पानी में रख वो पानी पीने से शरीर को शीतलता का अनुभव होता है तथा शरीर की गर्मी भी नष्ट हो जाती है। बरसों से गवला कछुला का प्रयोग नागरिक करते आए हैं और कर भी रहे हैं। अब बारी है कार्टून कोना की, देखते हैं आज हमारे कार्टूनिस्टों ने किस वस्तुस्थिति को व्यंग बानों का निशाना बनाया है। चलिए करते हैं मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आका गया था। बात करें रविवार की तो रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए बुलेटिन में आप देते हैं उन सभी को बधाई जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है। आज इनका जन्मदिन है, उन सभी को सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई।
तो दर्शकों आप देंगे बुलेटिन को विराम, बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 257032। हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।